नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा स्टेप स्टेयर केस को कास्टिंग कैसे की जाए। तो स्टेप के स्टेयर केस कास्टिंग के लिए सबसे पहले आपको शटरिंग करनी है। शटरिंग से पहले आप ध्यान रखें, या तो आपका स्टेप वाला जीना पहले कास्ट हो जाएगा या स्लैब कास्टिंग के बाद कास्ट हो जाएगा। आपको सबसे ऊपर बीम डालनी है एंड सबसे नीचे आपकी बीम रहेगी। जोगल बार में प्लिंथ बीम से स्टील की रिइंफोर्समेंट होगी। अब स्लैब का शटरिंग से बाद में आपको स्टेप बनाने हैं ब्रिक वर्क करके। ब्रिक वर्क करने के बाद आपकी स्टील रिइंफोर्समेंट होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपकी स्टील रिइंफोर्समेंट है। स्टील इन्फोर्समेंट की वीडियो फॉर स्टेप स्टेयरकेस मैंने पहले ही डाल रखी है। फिर इसके बाद कास्टिंग होगी इसकी। थ्री इंच थिकनेस का इसका कास्टिंग होती है। थ्री इंच से आप फोर इंच तक जा सकते हैं कास्टिंग के अंदर। ढाई एमएम का रिंग, ढाई इंची का इसका रिंग का बैंड होता है। और आपका जाल बिछने के बाद आपको इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बालू डाल देनी है, और थोड़ा थोड़ा बालू से पहले शटरिंग ऑयल लगाना है, फिर बालू डालनी है। बिकॉज जब आपकी शटरिंग खुलेगी तो आपका ब्रिक वर्क ईजिली नीचे उतर जाए। अगर आप डायरेक्ट ब्रिक वर्क के ऊपर स्टील रिइंफोर्समेंट करके कंक्रीट की कास्टिंग करेंगे तो आपकी ब्रिक और कंक्रीट में जो ज्वाइंट आना चाहिए वो ज्वाइंट नहीं आएगा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और फिर आपको इसको हटाने में परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आफ्टर रिइंफोर्समेंट आपको कास्टिंग करनी है ऐसी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपकी राइजर और ट्रेड का साइज एक जैसा होना चाहिए। आपकी कंक्रीट का ग्रेड M20 होना चाहिए, 1:1.5:3। फिर एवरी मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए आपका जो जीना है वो रेडी हो जाएगा। रिइंफोर्समेंट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसके अंदर आपका 10 mm का स्टील लगा हुआ है, प्लस 8 mm का स्टील लगा हुआ है, प्लस इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका जीना फट सकता है जब आप कंक्रीट की कास्टिंग करेंगे। आपकी यहाँ पर बीम बनेगी, वहाँ पर बीम बनेगी, फिर आपके रिंग मुड़ेंगे 10 mm के, 10 mm के ही आपके बीम का साइज रहेगा। 2.5 इंची आपका रिंग का साइज रहेगा। 3 इंची आफ्टर कास्टिंग, 3.5 इंची आफ्टर कास्टिंग ये रेडी हो जाएगा। 10 इंच का अगर आपको ट्रेड चाहिए तो आपको 12 इंच का आपका स्टील का रिंग रखना पड़ेगा, और 6 इंच का आपको ट्रेड चाहिए, राइजर चाहिए। अगर आपको 10 इंच का ट्रेड चाहिए तो आप 12 इंच का रिंग लेंगे, और आपको 6 इंच का राइजर चाहिए तो आपका 8 इंच का रिंग का साइज होगा, और रिंग की थिकनेस जो मैंने 2.5 इंच बताई थी वही रहेगी। यहाँ पे 4 फुट का स्टेयरकेस की कास्टिंग हो रही है। तो आफ्टर कंक्रीट कास्टिंग ये आपको 6x10 का मिलेगा, 6 इंच x10 इंच राइजर और ट्रेड का साइज हो जाएगा। राइजर 6 इंच, ट्रेड 10 इंच। ट्रेड होता है जहाँ पे आप स्टेप्स रखते हैं, देखिए स्टेप्स रख रहा है, ये 10 इंच के हो जाएंगे।